हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जल रहा है। श्रीलंका के जिन शासकों ने तमिल और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर दो दशक तक राज किया, उनके घर धू धू कर जल रहे हैं। नफरत का माहौल बनाकर राज करने वाले इन शासकों के घर उन्हीं बहुसंख्यक सिन्हली लोगों ने फूंक दिए हैं जिन्हें भड़काकर तमिल और मुसलमानों का संहार किया गया था। इतिहास ने इन क्रूर शासकों को उसी अंजाम पर पहुंचा दिया है जिसके कारण ये सत्ता के शिखर पर पहुंचे थे। श्रीलंका में एक समय में सबसे ताकतवर शख्स रह चुके श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को जनता की ताकत के आगे झुकना पड़ा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों पर क्रूर अत्याचार करने वाले महिंदा राजपक्षे के खिलाफ महीनों से लोगों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और आखिरकार उन्हें अभी इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए हैं और वो महिंदा के भाई श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने महिंदा के घर में भी आग लगाकर उसे राख कर दिया। जानकारों का मानना है कि महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा देश में राजपक्षे परिवार के प्रभुत्व के खात्मे की शुरुआत है। राजपक्षे परिवार श्रीलंका के आजाद होने के बाद दो सबसे प्रभावशाली परिवारों में शामिल है। महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका में बसे तमिलों के खिलाफ खूब नफरत भड़काई। श्रीलंका के सिन्हली लोगों को ये डर दिखाया कि अगर तमिलों को सबक नहीं सिखाया गया तो एक दिन ये जाफना से निकलकर कोलंबो पर भी कब्जा कर लेंगे। ये वैसा ही डर था जैसा कुछ लोग भारत में फैलाते हैं कि अगर मुसलमान इसी तरह बच्चे पैदा करते रहे तो जल्द ही उनकी आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी और फिर मुसलमान राज करेंगे। महिंदा राजपक्षे ने ऐसे ही फरेबी बयानों और डर दिखाकर सिन्हली लोगों का दिमाग हैक कर लिया और लिट्टे के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर तमिलों का कत्लेआम किया। जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर हत्यारी भीड़ बना दिया और खुद सत्ता के शिखर पर बैठ गए और वो भी पूरे कुनबे के साथ में। महिंदा ने एक एक कर श्रीलंका के बड़े पदों पर अपने कुनबे को बैठा दिया। अपने भाई गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति बनवा दिया, वो श्रीलंका के रक्षा मंत्री भी हैं। दूसरे भाई चमाल राजपक्षे को सिंचाई मंत्री बना दिया, तीसरे भाई बासिल राजपक्षे के हवाले देश का खजाना कर दिया और उन्हें वित्त मंत्री बना दिया। महिंदा राजपक्षे ने अपने बेटे नमल राजपक्षे को देश का खेल मंत्री बना दिया और इस तरह पूरा कुनबा मिलकर श्रीलंका की राजनीति का खेल खेलता रहा। लेकिन जनता भूखे पेट कब तक खेल देखकर तालियां बजाती? भयंकर बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई, कर्ज और भूखमरी ने महिंदा राजपक्षे के समर्थकों के दिमाग में चढ़े हीरोइज्म का भूत उतार दिया। जनता सड़कों पर निकली तो राजपक्षे को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन महिंदा के इस्तीफा देने के बाद भी श्रीलंका में व्याप्त आर्थिक और राजनीतिक संकट के खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी महीनों से हर दिन कोलंबो के गाले फेस इलाके में प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठा हो रहे हैं और वे राष्ट्रपति गोटाबाया और उनकी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो भी तब जब देश की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई है। सोमवार को देश में हुई भारी हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के आधिकारिक आवास में घुसने की कोशिश की और बाहर खड़े ट्रक को आग लगा दी। खबर तो ये भी है कि भीड़ से घिरे एक सांसद ने खुद को गोली मार ली। यानी जो सांसद, जो नेता श्रीलंका की जनता को भड़काते थे, उन्हें अलग अलग सपने दिखाते थे, अच्छे दिन लाने का वादा करते थे, अब वो जनता के सामने इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें खुद ही अपनी जान लेनी पड़ रही है। यही नहीं, राजपक्षे के पैतृक घर को भी प्रदर्शनकारियों ने जलाकर राख कर दिया। राजपक्षे सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात कर दिया। कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है जिसमें राजपक्षे के सांसद भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी राजपक्षे की पार्टी के नेताओं और सांसदों के घरों को भी जला रहे हैं। सेना की तैनाती के बाद भी श्रीलंका में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। आर्थिक संकट को रोकने और जनता को जरूरी सामानों की आपूर्ति करने में नाकाम रहने पर राजपक्षे परिवार प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया है। देश में तेल और गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। करीब 2,20,00,000 की आबादी वाले श्रीलंका में खाने और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। इस भारी असफलता के बाद अब श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के सामूहिक इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ महिंदा राजपक्षे ही नहीं बल्कि उनके तमाम भाई और राष्ट्रपति जो गोटाबाया हैं वो भी इस्तीफा दें। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा कम हो गया है, वो भी तब जब भारत समेत दुनिया भर से अरबों डॉलर की मदद श्रीलंका को दी गई है, लेकिन वो ना
काफी है। चीन के कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है और उसे उसने कह दिया है कि अब भुगतान करना उसके बस की बात नहीं है। महिंदा राजपक्षे एक समय में राजपक्षे परिवार में सबसे लोकप्रिय राजनेता थे, लेकिन भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बाद हाल के महीनों में उनकी लोकप्रियता बहुत नीचे चली गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजपक्षे का भ्रष्टाचार श्रीलंका के आर्थिक संकट की एक बड़ी वजह है। लोग कह रहे हैं, जनता में ये बात चली गई है कि महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने श्रीलंका को लूट लिया, अपनी संपत्ति बना ली, अपना तिजोरी भर ली, लेकिन जनता को भुखमरी की कगार पर वो ले आए। जो अच्छे दिनों का वादा महिंदा राजपक्षे ने जनता को किया था, अब जनता उस पर यकीन नहीं कर रही और तमाम राजपक्षे परिवार के लोगों के खिलाफ जनता ने हल्ला बोल दिया है। महिंदा राजपक्षे को तमिल आतंकी संगठन लिट्टे के खात्मे का श्रेय दिया जाता है। हालांकि राजपक्षे पर तमिलों के खिलाफ क्रूर अभियान चलाने के आरोप भी लगे थे। उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने तमिल जो लोग हैं जाफना और उसके आसपास के इलाकों में बसे हुए जो लोग हैं उनका कत्लेआम किया था। अब भ्रष्टाचार के आरोप से राजपक्षे का पूरा परिवार बहुत बुरी तरह घिर गया है। उनकी तुलना फिलीपींस के कुख्यात मर्कोस परिवार से की जा रही है। साल 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के बाद मिली आर्थिक मदद को भी राजपक्षे परिवार भ्रष्ट तरीके से खा गया था, उन पर आरोप लगे थे। यही नहीं, साल 2019 में लिट्टे के खिलाफ अभियान के दौरान सैन्य अभियान चलाने के लिए हथियारों की खरीद में भी राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लिट्टे पर खूनी जीत के बाद पूरा देश जातीय रूप से बट गया था। राजपक्षे परिवार पर लिट्टे के खिलाफ अभियान के अंतिम चरण में यानी मई 2009 में मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे थे कि उन्होंने कत्लेआम किया है, महिलाओं का, बच्चों का, का और तमिल जो ओरिजिन के लोग थे उनके कत्लेआम के उन पर आरोप लगे थे। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सुरक्षित पना तलाश करने के दौरान 40,000 तमिल नागरिक मारे गए थे। महिंदा राजपक्षे साल 2004 में पहली बार बहुत कम बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को हराया था। महिंदा राजपक्षे ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कई चाले चली और प्रदर्शनकारियों पर क्रूर हमले करवाए, लेकिन आखिरकार ये सब बेकार रहा और उन्हें जाना पड़ा। जिस तरह से श्रीलंका में नफरत का माहौल बनाकर राजपक्षे परिवार सत्ता पर काबिज हुआ, उसी तरह भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की है और ये डर लगातार दिखाया जा रहा है। दलित, पिछड़े और आदिवासियों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, आए दिन उनकी लिंचिंग होती है, तरह तरह की बयानबाजी की जाती है और भारत के सवर्णों को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया जाता है। ऐसे लोगों के लिए श्रीलंका के राजपक्षे परिवार का हश्र एक नज़ीर है कि जो इमारत नफरत की बुनियाद पर खड़ी की जाती है एक दिन भरभराकर जमीन पर आ गिरती है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और नफरत फैलाने वालों को पहचानना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? श्रीलंका में जो इस समय हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है और भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दें। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएँ, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।